बिहार की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को मोकामा में बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में रोड शो किया। हालांकि चिराग पासवान ने साफ किया कि वे अभी एनडीए में नहीं हैं। इस महीने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बात होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद ही एनडीए और सरकार में शामिल होने पर फैसला होगा। एक लंबी मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी एक लंबी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं थे जिनके ऊपर चर्चा होनी जरूरी थी। बहरहाल ये चर्चा अभी आने वाले समय में और जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार ये छठ पर्व और उपचुनाव बीतता है तो अगले महीने पुनः अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होनी है और बाकी के जो विषय हैं उस पर भी चर्चा होनी है। इससे पहले चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अन्य नेताओं से मुलाकात की। शाह से मिलने के बाद उन्होंने मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का फैसला लिया। चिराग रविवार को दिल्ली से पटना पहुंचे, इसके बाद सोमवार को मोकामा में रोड शो किया। आज भी गोपालगंज जा रहे हैं। आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समय निर्णय लेते लेते समय बहुत बीता है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही है। बता दें कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है मगर खुलेआम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि वे लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में आ जाएंगे, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से चिराग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे नीतीश कुमार वाले गठबंधन में कभी नहीं जाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान के पास एनडीए में वापसी का एक ही विकल्प बचा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वे अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।